हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। और आज हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आप लोग इनको डाउनलोड कर सकते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स की आपको ज़रूरत है और कैसे कैसे इनको हम इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स की हमको ज़रूरत है। फ़िलहाल हम लोग यूज़ करने वाले हैं ATmega 8 को, जो कि AVR माइक्रो कंट्रोलर है। और उसके लिए आपको ज़रूरत होगी AVR स्टूडियो की या फिर एटमेल स्टूडियो की, जिसके थ्रू आप लोग अपने कंट्रोलर्स को प्रोग्राम कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को आप चाहें तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वैसे मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और मेरी जो वेबसाइट है उसका भी लिंक मैं आप लोगों को यहाँ पर दे रहा हूँ। वहाँ से भी आप लोग कहीं से भी डाउनलोड करना चाहें कर सकते हैं। सेकेंडली, आप लोगों को एक और सॉफ्टवेयर की जो ज़रूरत है फ़िलहाल, वो है सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। कोई भी सर्किट आप लोग बनाने से पहले सॉफ्टवेयर में उसको सिमुलेट करके देखेंगे कि एक्चुअल में जो आपको रेस्पॉन्स चाहिए, जो आपको आउटपुट चाहिए, वो मिल रहा है या नहीं। और उसके लिए आप जो यूज़ करने वाले हैं उसके नाम है प्रोटियस। तो दोनों का मैं आप लोगों को लिंक यहाँ पर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही साथ मैं आपको अपनी वेबसाइट में भी उसका लिंक दे दूंगा। मेरी गूगल ड्राइव से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। हमारी वेबसाइट में जाने के लिए आप लोगों ने गूगल पर सर्च करना है fivevolts.com, और जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो आपको ये पेज कुछ दिखेगा, और इसमें आप लोगों को दिखेगा यहाँ पर सॉफ्टवेयर नाम से ब्लॉक। ठीक है, इस ब्लॉक में आप लोगों ने क्लिक करना है, और जैसे इसमें आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर्स फॉर AVR माइक्रो कंट्रोलर। ओके, तो इसमें क्लिक आपने करना है बेसिकली। और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप मेरी गूगल ड्राइव पर पहुँच जाएंगे, जहाँ से आप लोगों को दो सॉफ्टवेयर मिलेंगे। यहाँ पहुँचने के बाद आप लोगों ने इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करना है राइट क्लिक करके। और फिलहाल मेरे पास ये दोनों सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, तो मैं इनको डाउनलोड नहीं करने वाला हूँ। आप लोग इनको डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इनको इंस्टॉल कैसे करना है। अगर ये दोनों सॉफ्टवेयर्स आप डाउनलोड कर चुके हैं तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं। ये जो पहला है आपका, ये एटमेल स्टूडियो 6 वर्ज़न मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इसका लेटेस्ट वर्ज़न 7 अभी चल रहा है। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। आप अगर इसको भी इंस्टॉल करेंगे ये भी प्रॉपर चलेगा। और सेकेंड जो है आप लोगों के पास, वो प्रोटियस है। प्रोटियस जो हमारे पास है ये फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये क्रैक्ड वर्जन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोटियस को ही इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग ए स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे। इसको इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों ने डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आएगा, उसमें आप लोगों ने येस प्रेस करना है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर से नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद आई एग्री करना है आप लोगों ने, इसके बाद आप लोग यहाँ पर से नेक्स्ट करेंगे। देन यहाँ पर आप लोगों ने कुछ नाम देना है, यहाँ पर आप कोई भी अपना नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर 5 volts लिख लेता हूँ, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट प्रेस करना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपना पाथ देना है, जहाँ पर भी आप लोगों ने इसको इंस्टॉल करना है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रेस करने के बाद आप लोगों के पास दो ऑप्शन यहाँ पर आएंगे, एक है करंट यूज़र्स के लिए, एक है सभी यूज़र्स के लिए। तो कोई भी ऑप्शन आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल सिर्फ करंट यूज़र्स के लिए इसको क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट प्रेस करना है, फिर नेक्स्ट अगेन। अब आपका ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो गया। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ। तो ऑलमोस्ट ये आपका इंस्टॉल होने वाला है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम लोग। और जैसे ही आपका ये इंस्टॉल कंप्लीट होगा, आप लोगों ने फिनिश इसको कर देना है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि ये आपका एक क्रैक्ड वर्ज़न है, तो आप लोगों ने इसके बाद एक प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोग सी ड्राइव में जाएंगे।
इसमें आप लोगों ने करना क्या है, जो डेस्टिनेशन आप लोगों ने इंस्टॉलेशन के टाइम में दिया था आप लोगों ने वहाँ पर जाना है। तो उसके लिए आप लोगों को सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में जाने के बाद आप लोगों के पास प्रोग्राम फाइल x86 होगा, उसके अंदर जाएंगे आप लोग, और उसके अंदर में आप लोगों को लैब सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा, उसको आप लोगों ने वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही वहाँ पर क्लिक करेंगे उसके अंदर आप लोगों को प्रोटीएस प्रोफेशनल 7 नाम से लिखा हुआ मिलेगा, उसको आप क्लिक करेंगे, और उसके अंदर अगेन आप लोगों को बिन नाम से एक फ़ोल्डर मिल जाएगा। अब इस फोल्डर को आप लोग ओपन करेंगे और इसमें सर्च करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर नीचे आप लोगों को एक isis.exe नाम से एक फ़ाइल मिलेगी। तो ये फ़ाइल आप लोगों ने अभी क्या करना है, इसको आप लोगों ने राइट क्लिक करना है और क्रिएट शॉर्टकट टू डेस्कटॉप आप लोगों ने करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोगों ने इसको कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट नहीं करना है, आप लोगों ने केवल शॉर्टकट डेस्कटॉप में पेस्ट करना है। तो ये सॉफ्टवेयर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डेस्कटॉप में आप लोगों का ये isis.exe नाम से शॉर्टकट बन के आ गया। तो इसको हम आगे जाके यूज़ करेंगे। फ़िलहाल हम लोग दूसरे सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ते हैं, कैसे उसको इंस्टॉल करना है ये देखते हैं। तो नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर है ये आप लोगों का A Studio 6 है। इसको इंस्टॉल करने के लिए हम डबल क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप लोग इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेके एक नोटिफिकेशन आपको देगा, उसमें आप लोगों ने यस प्रेस करना है। और जैसे ये करेंगे इसके थोड़ी देर बाद आप लोगों के पास एक डायलॉग बॉक्स बन के आ जाएगा, जिस पर आप लोगों ने इंस्टॉल बटन में क्लिक करना है। तो इसके बाद ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा, हम वेट करेंगे। और थोड़ी देर में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो 2010 शेल जो है आपका ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। तो जैसे ही ये स्टार्ट होगा उसके बाद आप थोड़ा सा वेट करेंगे, इसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पर ये नेक्स्ट वाला ऑप्शन आप लोगों ने प्रेस करना है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रेस करने के बाद आप लोगों के पास एक और बॉक्स आएगा, जिसमें आप लोगों ने आई एक्सेप्ट करना है, और इसके बाद आपको अगेन नेक्स्ट प्रेस करना है। इसके बाद फिर से यहाँ पर अगर आप लोग इसके डेस्टिनेशन को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, और फिर यहाँ पर आप इसको इंस्टॉल बटन प्रेस कर देंगे। इसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। ओके, तो ऑलमोस्ट ये आपका इंस्टॉल हो चुका है। तो जैसे ही ये होता है इसके बाद आप लोग यहाँ से फिनिश बटन को प्रेस कर देंगे। और इसके बाद आप लोगों का ये जो दूसरी चीज़ है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर एक बॉक्स आपके पास बन के आएगा, इसमें आप लोगों ने अगेन आई एक्सेप्ट करना है, उसको नेक्स्ट करना है, देन अगर आप यहाँ पर डेस्टिनेशन चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ नेक्स्ट आप लोग यहाँ से करेंगे, और अगेन यहाँ से नेक्स्ट, और इसको आपको फिर से अगेन इंस्टॉल होने देना है। ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, तो अगेन मैं इसको पॉज कर देता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। यहाँ बीच में आप लोगों के पास विंडो सिक्योरिटी के डायलॉग बॉक्स आ सकते हैं, उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर ये चेक बॉक्स को चेक करना है, और उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने इंस्टॉल बटन को प्रेस करना है। ये आपके साथ 2-3 बार हो सकता है, तो हर बार आप लोगों ने यही चीज़ को रिपीट करना है। तो इतना आपका हो चुका है, यहाँ पर से आप इसको फिनिश कर देंगे। और थोड़ा सा और यहाँ पर आप लोगों को टाइम लगेगा। ये देखिए अब आप लोगों के पास ये एटमेल स्टूडियो का लास्ट ये स्टेप है,
इसके बाद ये फाइनलाइज आपका हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। तो इतना होने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पर आपको फिर से नेक्स्ट प्रेस करना है, आई एक्सेप्ट करना है उसको, नेक्स्ट फिर से प्रेस करेंगे। यहाँ पर अगेन आप ब्राउज़ कर सकते हैं अगर कोई डेस्टिनेशन चेंज करना चाहते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आप करेंगे यहाँ से, और उसके बाद नेक्स्ट अगेन, और लास्ट स्टेप आपका ये है। ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा तो मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। तो ऑलमोस्ट अभी आपका हो चुका है, लास्ट स्टेप था ये आपका, और यहाँ से आप लोग इसको फिनिश कर देंगे। तो डेस्कटॉप में आप लोगों को ये दोनों सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, और आगे हम देखेंगे इन सॉफ्टवेयर्स को कैसे यूज़ करना है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिएगा मेरे साथ, बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि इन टेक्नोलॉजीज़ को सीखना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच।